हाय, कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरे साथ ही बिग बॉस से बाहर आने के बाद बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने बोला कि मानिया हम देखना चाहते थे आपको अंदर, तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में सभी व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो मेकर्स का डिसीजन था कि मैं बाहर जाऊँ तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट इट। मैंने अपना बेस्ट दिया थर्ड वीक में, जहाँ मैं ओपन होना स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करूँ। कहीं ना कहीं मैं शो में खो गई थी, बट मेरा मोटो था कि मैं और रुकूँ वहाँ पर। तो कोई ना, मैं हमेशा पॉजिटिव वे में लेती हूँ सिल्वर लाइनिंग, कि दिवाली मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताई एंड होपिंग फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। आई थिंक सबको, क्योंकि सबके साथ मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। आई वॉज द पर्सन जो किसी को तकलीफ हो तो वो गो टू पर्सन में ही रहती थी सबके लिए। तो आई एम मिसिंग एवरीबॉडी, आई एम मिसिंग द वाइब, और इतना बड़ा घर ऑब्वियसली, तो लोगों की जितने भी लोग हैं अभी, आई एम जस्ट होपिंग कि वो जैसे आए बाहर, हम वो सारे गिले शिकवे भूल के साथ में एक बार डिनर करें और लंच। सो दैट्स फिर साथ ही अगर अभी की अगर गेम की बात करें तो गेम में बहुत सारे चेंजेस है, कहीं पे कपल्स बनते हुए दिख रहे हैं, कहीं छुपते हुए दिख रहे हैं, कभी किसी का रिएक्शन कुछ अजीब दिख रहा है जो कभी नहीं देखा था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये शो है, जब 3 महीने किसी को एक साथ बंद कर दिया जाए तो अट्रैक्शन ना होते हुए भी आ जाता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि जो कपल्स बन रहे हैं वो फेक बन रहे हैं या नहीं। मैं कोई नहीं होती उनके रिलेशन और उनके इमोशंस पे क्वेश्चन मार्क करने के लिए, बट आई थिंक वो क्या है, रियल है फेक है, वो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा दर्शाया जा रहा है दर्शकों के सामने। और दोस्ती की जहाँ तक बात है, वो बचपन से तो दोस्त है नहीं, तो पहली बात उनको जहाँ भी कम्फर्टेबल लग रहा होगा वो वहीं जाके बैठते होंगे। तो आई थिंक इट्स अप टू देम, इट्स नो, आई एम नोबडी टू यू नो गिव अ कॉमेंट ऑन समबडीज रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। सो आई जस्ट विश देम अ लक कि आगे जो भी करना दिल से करना, दिमाग से नहीं। हाल ही में अभी अब्दू भी कैप्टन बन चुका है, लेकिन अब्दू का जो रिएक्शन अर्चना पे हम देख, आई थिंक इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक वाला थिंग। हमारे टाइम पे जब अर्चना कैप्टन बनी थी तो हमने भी वो उठाया था ना कि हम नहीं चाहिए, हमें अर्चना कैप्टन, वो वाला टास्क था हमारा। बट इट्स ऑल द गेम एक्चुअली। बट मैं हमेशा बोलूँगी कि अब्दू भी एक इंसान है। आपने एक साइड उनका देखा कि वो बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बट दूसरे एक इंसान के हर पहलू होते हैं। तो अगर वो अभी गुस्सा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो इट्स ह्यूमन नेचर। हम सबको अगर समझ में आता है कि इंसान एक अलग अलग नेचर लेके पैदा हुआ है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि एक गेम है, लाइफ नहीं है, तो गेम शो को गेम शो की तरह देखते तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेल, गौतम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है उनका गेम? क्योंकि बीच में हमने देखा था कि एक टास्क ऐसा दे दिया गया था जिसमें कैप्टनसी के लिए सभी का खाना उन्होंने लुक मुझे अभी गौतम में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जो मैंने पहली बार देख, जब मैं उनसे मिली थी तो मैंने हमेशा बोला था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बने थे। तो उनका जो गेम मैंने स्टार्टिंग में देखा था वो अब मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अभी ज़्यादातर रिलेशनशिप और लव में ही घूम गए हैं। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। अगर वो सच है तो अंधे हो गए हैं। आई मीन टू से कि अब उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई है, वो लोगों को सजेशन देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि अभी देखिए प्रियंका, भले वो अंकित के साथ हैं, उनका इमोशन रियल है, उनका कपल एक वो जो दोनों का जो भी बॉन्ड है वो बहुत जेन्युइन है, बट प्रियंका की इंडिविजुअलिटी दिखती है, अर्चना की इंडिविजुअलिटी दिखती है, अब्दू की, साजिद सर की, तो वो एक पर्सनैलिटी शो है, गेम शो की तरह। तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वहाँ लोग देखना चाहते हैं, ना कि एक बॉन्ड। तो आई विल ऑलवेज गिव दिस मैसेज टू गौतम कि प्ले योर गेम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यू आर देयर फॉर योर सेल्फ, एज यू हैव टोल्ड मी कि माने आई एम हियर फॉर माई नेम, आई वॉन्ट टू डू बिग इन माई लाइफ। तो आई जस्ट वॉन्ट विश यू गुड लक, प्लीज़ डोंट गेट लॉस्ट। आपने मुझे बोला था कि माने गुम मत हो ना, आई जस्ट वॉन्ट से कि अब आप गुम हो रहे हो गौतम, सो प्लीज़ 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 बी अवेक एंड आँखें खोलो, और आपका यही टाइम है, डोंट लूज इट। आई थिंक अंदर जो भी गए हैं ऐसा, मतलब आई थिंक वो अपना पर्सनल चॉइस है जैसे बोलना रहता है,
तो देखते हैं, जैसे भी पर्सनल चॉइस है, उनको जैसे भी रखना है वैसे रखे, इट्स हिज चॉइस, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं फ्यूचर में आपको ऐसे ही प्राउड और इंस्पायर करती रहूं, और मान्या सिंह, हज़ार मान्या सिंह पैदा करो ऐसे ही। थैंक यू।